जिसमें उबाल हो ऐसी खून चाहिए, जीत की खातिर एक ऐसी जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमी पे, ये आसमां भी आएगा जमी पे, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे खान सर जी के क्लास के नोट्स हिस्ट्री का, जो प्राचीन भारत के इतिहास काल है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या सिंधु घाटी सभ्यता, क्या इसी को हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इससे पहले वीडियो हम लोग देखे तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाने थे। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के जनक कौन है उसको हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल या सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए हम लोग देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल ये क्या है। तो इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, अर्थात इतिहास का वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, वो कहलाता आद्य ऐतिहासिक काल। किंतु लिखित साक्ष्य मिलने हैं इस काल में, इस काल की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य। कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर, किस नदी के तट पर, यह जो सभ्यता था किस नदी के तट पर था, तो सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा, पहली खुदाई कहाँ हुई थी, हड़प्पा में हुई था, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित था, सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। लेकिन इसकी जो खुदाई सबसे पहले कहाँ हुई थी, हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिए हुआ था। कौन, चार्ल्स मैसन ने जानकारी दिया सिंधु घाटी सभ्यता की। आगे हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया था, जिसे भारतीय पुरातत्व का पिता भी बोला जाता है। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। लॉर्ड कर्जन, किसने, लॉर्ड कर्जन 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया, तथा इसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया गया उस समय भारतीय पुरातत्व का महानिदेशक कौन थे, सर जॉन मार्शल थे, और भारत पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने, कब, 1904 में। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था, सर जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था, सर जॉन मार्शल ने 1924 में बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम सहनी ने किया था। पहली खुदाई किसने किया था, दयाराम सहनी ने, जिन्होंने हड़प्पा की खोज किया था और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला हम बताते हैं, अगला क्या है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा, त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली कौन सी थी, नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता के जो समय है वो है 2500 ईसा पूर्व, कब से, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। अर्थात सिंधु सभ्यता का जो समय पीरियड कब से कब तक है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। कभी काल ये 1700 ही लिखा रहता है। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता का ये चौहद्दी कैसा था। सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो उत्तर में क्या था, सिंधु सभ्यता के उत्तर में मांदा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता और ये चिनाव नदी पे था। किस नदी पे, उत्तर क्षेत्र मांदा पड़ता तो जो चिनाव नदी के पास था, अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है। इसका दक्षिणी क्षेत्र जो था दायमावद प्रवा नदी, दायमावद प्रवा नदी जो कहाँ पड़ता, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र सुतकंगे डोर जो दशक नदी किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। इसका जो पूर्वी क्षेत्र,
पूर्वी क्षेत्र जो था आलमगीरपुर, हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। इसको याद करने का एक ट्रिक है, सम बराबर ए डी, सम बराबर ए डी। सम मतलब सुतकांगेडोर, म से मांडा, ए से क्या हो जाएगा आलमगीरपुर, और डी से दाइमाबाद हो गया। इसके उत्तर में मांडा जो चिनाव नदी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, दक्षिण दाइमाबाद ये पड़ता महाराष्ट्र में, पश्चिमी सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता, तथा इसके पूर्वी क्षेत्र कहाँ था आलमगीरपुर, हिंडन नदी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे बात किया जाए। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में स्थित है जो दशक नदी के किनारे स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाव नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई जगपति जोशी, कौन जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। बात किया जाए इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, कहाँ उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है, जो हिंडन नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा, किसने, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी उत्खनन करवाई थी, इसकी खनन करवाई थी। अगले हम लोग देखते हैं आगे क्या है। इसकी दक्षिणी सीमा कौन सी, दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दाइमाबाद में प्रवेश कर प्रवेश दाइमाबाद के प्रवरा नदी के तट पर, यहाँ से धातु का एक रथ अर्थात इक्की गाड़ी का प्रमाण मिलता है, कहाँ से, दक्षिण महाराष्ट्र के दाइमाबाद से। चलिए इसका चौधरी आलो हम लोग जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, उसके खोजकर्ता तथा उसका अभी वर्तमान में कहाँ स्थित था तथा वह किस नदी के किनारे स्थित था। बात किया जाए तो हरप्पा, हरप्पा वर्तमान में कहाँ, मॉन्टगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खुदाई किसने किया था तो दयाराम सहनी तथा माधेश्वर वत्स ने, कब तो 1921 में इसकी खोज किया गया था। हरप्पा किस नदी के किनारे स्थित था तो वो रावी नदी के किनारे स्थित। बात किया जाए मोहनजोद्रो, मोहनजोद्रो अभी वर्तमान में लरकाना जिला सिंध प्रांत के पास पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज जो किया हुआ था लाखाल दास बनर्जी, कब 1922 में, और यह कहाँ स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा या कालीबंगन, यह हनुमानगढ़ जिला राजस्थान जिला में है, कहाँ राजस्थान में, भारत में पड़ता है। इसकी जो खोज किए हुआ था बीबी लाल या बी के थापर, कब 1961 से 69 के बीच, ये घग्गर नदी के बीच पड़ता है। धौलावीरा या कच्छ गुजरात में पड़ता है। इसकी जो खोज किया हुआ था कौन, रविंद्र सिंह बिष्ट, कब 1990 से 91 में। चुन्नूदर, चन्नूदर यह सिंध प्रांत में पाकिस्तान में वर्तमान में कहाँ पड़ता, पाकिस्तान में। इसकी उत्खनन किसने करवाया था, गोपाल मजूमदार की, किसने, गोपाल मजूमदार ने, कब 1931 में। किस नदी पे, सिंधु नदी की, एक ऐसा क्षेत्र था जो किला रही था, इसके पीछे आगे कोई किला नहीं था। लोथल, लोथल यह अहमदाबाद जिला गुजरात, अहमदाबाद जिला गुजरात में था। इसकी जो खोज किया, खनन किसने करवाया, रंगनाथ राव ने, कब 1955 से 62 के बीच में। किस नदी के किनारे स्थित है, ये भोगवा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, भोगवा नदी। कोट दीजी, कोट दीजी यह सिंध प्रांत का एक खैरपुर स्थान पाकिस्तान में पड़ता। फजल अहमद खां इसकी खोज किया था 1953 ईस्वी में। यह सिंधु नदी, किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के। बनावली, बनवाली यह रे हिसार जिला हरियाणा में पड़ता। इनकी जो खोज किया रविंद्र सिंह बिष्ट, कब 1974 में। यह सरस्वती नदी के किनारे रंगोई में है। बात किया जाए रोपर, यह पोतौनी रोपर जिला पंजाब भारत में स्थित। इसकी जो खोज किसने किया था, यत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने, कब 1953 से 56 में। यह सतलज नदी के तट पर है। आगे बात किया जाए रंगपुर, कठियावाड़ा जिला गुजरात, जिला कठियावाड़ा जिला गुजरात में पड़ता, अहमदाबाद भारत में। इसकी खोज रंगनाथ ने किया, किसने, रंगनाथ में, कब 1953 से 54। किस नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे। आगे बात कीजिए आलमगीरपुर, यह मेरठ जिला में उत्तर प्रदेश में है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज किया था 1958 में, तथा यह हिंडन नदी के तट पर है। सुतकांगेडोर मकराना में समुद्र के तट के किनारे पाकिस्तान में थे, कहाँ, मकराना में समुद्र के किनारे स्थित था।
ऑरेन स्टाइल इसे क्या करता था, व्यापार करता था। 1927 ईस्वी में दशक नदी सामने आया। ये कहाँ दशक नदी के किनारे बैठा था, कौन था, सुतकांगी डोर। बात की जाए सुतकांग यह मकराना के समुद्र तट पर पाकिस्तान में स्थित था। इसकी जो खोज किसने किया, जॉर्ज डेल्स ने कब, 1962 में। जॉर्ज डेल्स ने 1962 में किसकी खोज किया, मकराना के समुद्र तट पर। कहाँ, सादिकोर। कहाँ किया रे, सादिकोर में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग एक एक करके जानेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की स्टार्ट है तो हड़प्पा को देखते हैं। आखिर हड़प्पा की जो खोद की बात की जाए, खुदाई की, इसकी खुदाई दयाराम सहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में, किस जिला में, पाकिस्तान का एक जिला माउंट गोमरी जिला में वर्तमान में स्थित था। पिगट नाम के एक व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोद्रो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। किसकी, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा, पिगट ने। किसको, हड़प्पा और मोहनजोद्रो को। बात किया जाए तो हड़प्पा से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, तो हड़प्पा से जो वस्तुएं मिली हैं उसका नाम भी बताया जाए तो वहाँ सबसे पहले मिला कुम्हार का चाक। किसका मिला रे, कुम्हार का चाक मिला है। उसके बाद अन्नागार मिला, क्या मिला, अन्नागार। फिर श्रमिक आवास कहाँ से मिला है, तो वो मिला है हड़प्पा से, मातृ देवी की मूर्ति। लकड़ी की ओखली मिला है। लकड़ी का ताबूत कहाँ मिला है, तो वो मिला कहाँ से, हड़प्पा से। हाथी का कपाल, RH-37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक्स का चिन्ह, ये सब मिला कहाँ से, पाकिस्तान से मिला, सॉरी हड़प्पा से मिला है। सर्वप्रथम चांदी का, किसका, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ के लोगों ने, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। आगे हम लोग देखेंगे मोहनजोद्रो, क्या देखेंगे, मोहनजोद्रो की बात किया जाए तो मोहनजोद्रो की जो खोज ये 1921 में नहीं 22 में हुआ था, कब, 1922 कर दीजिएगा। इसकी खुदाई सन 1921 में राखल दास बनर्जी ने किया। यह पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। इसकी खुदाई कब होता है, 1921 में, किसके, राखल दास बनर्जी के द्वारा, और वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित और सिंधु नदी के तट पर स्थित। बात किया जाए तो यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो वो था मोहनजोद्रो। यह इसका जो अर्थ होता, मोहनजोद्रो का जो अर्थ होता है, मृत्यु का एक बहुत बड़ा टीला। मोहनजोद्रो का मतलब क्या होता, मृत्युकों का बहुत बड़ा टीला। अगर बात किया जाए तो यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली है, मोहनजोद्रो से क्या क्या वस्तु मिली है, तो यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं मिली, जैसे पुरोहित आवास कहाँ से मिला, मोहनजोद्रो से। घर में कुआं मिला है। विशाल स्नानगार, अन्नागार अनाज रखने के लिए। सूती वस्त्र कहाँ से मिला, मोहनजोद्रो से। स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोद्रो से मिला। सबसे चौड़ी सड़क कहाँ, मोहनजोद्रो से ही मिला है। सभागार कहाँ से मिला, तो भी मिला कहाँ से, मोहनजोद्रो से। पशुपतिनाथ अर्थात भगवान शिव की मूर्ति, तीन मुख वाली मूर्ति, पशुपतिनाथ जी का मूर्ति कहाँ से, मोहनजोद्रो से ही प्राप्त हुआ। कांस की नर्तकी कहाँ मिली है, तो वो मोहनजोद्रो से। तांबे का ढेर भी कहाँ से मिला, मोहनजोद्रो से। बात किया जाए मोहनजोद्रो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत कहाँ, मोहनजोद्रो का अन्नागार। चलिए अगला हम बताते हैं, रिमार्क की बात की तो वास्तविक मुहर सर्वाधिक मोहनजोद्रो में ही मिले हैं। जिसका निर्माण सिलखरी से हुआ,
किसका वास्तविक मोहर का निर्माण सिलखड़ी से हुआ, जो कहाँ मिला है ज़्यादातर वो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। आगे हम लोग देखेंगे चन्नू दरो की बात किया जाए तो इसकी खुदाई, चन्नू दरो की खुदाई सन 1931 में गोपाल मजूमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। यह एकमात्र शहर है जहाँ पर दुर्ग रही थे, अर्थात इसके चारों तरफ कोई किला नहीं बनाया गया था। बात किया जाए तो यह एक औद्योगिक शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक कैसा शहर था? औद्योगिक शहर था। कौन सा? तो चन्नू दरो। एक कैसा सभ्यता था? तो ये सॉरी ये कैसा शहर था? तो औद्योगिक शहर था। इसकी खोज 1931 में गोपाल मजूमदार ने किया था। यहाँ से क्या क्या वस्तु मिला तो उसको हम लोग देखते हैं। तो ये चन्नू दरो से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएँ मिले, जैसे मेकअप की सामग्री। किसका? मेकअप की सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका मतलब घड़ा, गुड़िया। कहाँ से मिला? यह चन्नू दरो से। सुई, अलंकृत ईंट अर्थात सजावट वाला ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ये सब कहाँ से मिला है? चन्नू दरो से। इसकी खोज 1931 में किया गया। यहाँ से मेकअप की सामग्री मिला, लिपस्टिक मिला, शीशा, मनका, सुई, गुड़िया, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ पंजा, ये सब कहाँ से मिला? तो चन्नू दरो से। इसकी खोज कब की? खोजाई तो 1931 में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं रोपर। इसको देखेंगे हम लोग रोपर को। रोपर इसकी जो खोज के बारे में हम लोग जानेंगे। रोपर इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा, किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई 1953 में की। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपर की जो खुदाई किया गया 1953 में, यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों को दफनाने का साक्ष्य मिला। कहाँ से? तो वो जो प्राप्त हुआ मानव के साथ साथ रोपर में, मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। नोट, ऐसा ही सब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला, उसके मालिक के साथ साथ कुत्तों के दफनाने का साक्ष्य। अगला क्या? बनावली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने, किसने? बनावली की खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी, किस नदी के किनारे? रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण घरों में सोखता, बनावली के जो घर थे वहाँ कैसा था? घरों में सोखता था, क्योंकि वहाँ नदी में जल निकासी का कोई साधन नहीं था। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। बनावली की जो सड़क कैसी थी? वो टेढ़ी मेढ़ी थी। आगे हम लोग देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी का चूड़ी। क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी का चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड का साक्ष्य मिला। कहाँ से? कालीबंगा से। इसका अर्थ क्या होता है? काली ईंट की चूड़ी। यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष ने की थी। इसकी खुदाई बीके थापर और बीबी लाल ने की थी। इनकी खोज अनवालाल घोष तथा बीके थापर एंड बीबी लाल घोष ने इसकी खुदाई की। चलिए आगे हम लोग देखते हैं धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा की बात किया जाए तो यह गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और सबसे बड़ा शहर कोई था तो वो कौन था? मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। सुत कोतदा की बात की जाए यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश सवधान तथा घोड़ों की
हड्डी मिली, कलश अवधान तथा घोड़ों की हड्डी कहाँ से मिला? तो वो जो मिला सुदकोटदा से, इसकी खुदाई जगपति जोशी, किसने? जगपति जोशी ने करवाया था। आगे हम लोग देखते हैं लोथल, लोथल की बात कीजिए तो इसकी खुदाई एस आर रो ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। यह सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था, इसको आप लोग हाईलाइट करिए, मोस्ट वीवीआई ट्रॉफी का। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। यहाँ से गोदावरी नदी का साक्ष्य मिला, किसका साक्ष्य मिला? यहाँ से किसका साक्ष्य मिला? तो गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुली थी, किसकी ओर? घर का जो दरवाजे था वो सड़क की ओर खुला था वर्तमान समय जैसे। यहाँ फारस की मुहर मिलनी है, लोथल से किसका मुहर मिला? फारस की मुहर मिला, जिससे यह पता जो विदेशी व्यापार का संकेत देता है। यहाँ से युगल समाधान मिलता, किसका? युगल समाधान मिलता जो सती प्रथा का प्रतीक माना जाता है। अगला क्या है? रंगपुर। क्या है? रंगपुर यह गुजरात में स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। रंगपुर गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूमि मिली है, रंगपुर से क्या मिला? धान की भूमि मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा, क्यों है? धौलावीरा जो गुजरात और पाकिस्तान दोनों में स्थित है, धौलावीरा गुजरात और पाकिस्तान दोनों जगह। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हरियाणा में है। भारत में सबसे बड़ा स्थल कहाँ? राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ये खान सर का नोट से। चलिए कुनाल की बात किया जाए तो कुनाल यह हरियाणा के हिस्सा है, हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। कुनाल कहाँ? हरियाणा के हिसार जिला में स्थित। यहाँ से चांदी के दो मुकुट मिले हैं, चांदी के दो मुकुट कहाँ से मिले हैं? कुनाल से मिले हैं। क्या करें लिम्बो, वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए वीडियो क्या करीब 22 मिनट का होगा, 20 से 22 मिनट। अगले दिन हम इसे आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता को देखेंगे हम लोग, यहाँ के मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर हम लोग देखेंगे मिस्र की सभ्यता, अलग अलग देखते हुए इसका हम नोट्स देखेंगे और इसका ऑनलाइनर क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया है। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल JP स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।